प्रदेश सरकार के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने लखनऊ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के सभी जिलों के कानून व्यवस्था की समीक्षा की। इस दौरान अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने कहा, प्रदेश के सभी जिलों की रात में 9 बजे प्रतिदिन कानून व्यवस्था की समीक्षा की जाती है। अगर कोई बात रहती है तो उसके बारे में आप लोगों को बताया जाता है। शासन का स्पष्ट निर्देश है कि महिला संबंधी अपराधों में किसी तरह की लापरवाही न बरती जाए और आने वाले दिनों में लगने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत का ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार करवाएं, जिससे नागरिकों को ज्यादा से ज्यादा इसका लाभ मिल सके। अपर मुख्य सचिव ने प्रदेश में कानून व्यवस्था का राज स्थापित करने व भूमिका निभाने वाले पुलिस कर्मियों को बधाई दी, क्योंकि कानून व्यवस्था में भारत में उत्तर प्रदेश का नाम अग्रणी रहा है। उन्होंने प्रदेश के सभी जिलों के पुलिस अधिकारी को निर्देश दिया कि थानों में जो भी कोई फरियादी या आपके कार्यालय में जो फरियादी अपना फरियाद लेकर आता है, उसका सुनवाई जरूर करें। फरियादियों की समस्याओं का समय से निस्तारण करें। इस अवसर पर मंडलायुक्त सभागार में एडीजी जोन अखिल कुमार, डीआईजी जे रविंद्र गौड़, मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी, जिलाधिकारी विजय किरण आनंद, एसएसपी डॉक्टर विपिन ताडा, एडीएम सिटी विनीत कुमार सिंह, अपर जिलाधिकारी प्रशासन प्रभुनाथ गुप्ता मौजूद रहे। सहारनपुर सर, नमस्ते सर, सब लोग पूछे सर, बरेली है आपके यहाँ शायद कार्यक्रम चल रहा है। बस्ती संभाजी सर, कमिश्नर साहब बता रहे हैं सर, बाकी सब मौजूद है। अयोध्या, नमस्कार सर, नवदीप बोल रहा हूँ सर, हम डीएम ऐसे नमस्कार सर, यहाँ सर सब मौजूद है, डीएम साहब आज एक दिन की छुट्टी पे है सर। और मिर्जापुर, नमस्कार सर, कमिश्नर सर लखनऊ में है, परमिशन लेते हैं सर, बाकी सब मौजूद है। नमस्कार सभी जिला मुझे मिला नहीं, कोई बात नहीं, आप इसको भेज दीजिए। बात हो गई, शाम को लॉ ऑर्डर की समीक्षा माननीय मुख्यमंत्री जी खुद लेते हैं, एडीजी हेलो, और मैं रोज 9:30 बजे उनके साथ, जब भी वो इन हाउस रहते हैं तो डेली उनके साथ डिस्कशन होता है। और आपको सबके फील्ड ऑफिसर्स को मालूम होगा कि कई बार 9:30 बजे बाद हम लोग आपको इसी आधार पर कॉल भी करते हैं किसी स्पेसिफिक मैटर को लेकर। अभी परसों माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें निर्देश दिया कि पूरे प्रदेश की कानून व्यवस्था के संदर्भ में महिला अपराध के लिए विशेष रूप से, और ये जो हम लोगों का लोक अदालत होने जा रहा है इसके संदर्भ में बैठक लें। मैं पूरे प्रदेश के सभी पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को बधाई देना चाहूँगा कि आपको मालूम है कि पूरे देश में ही नहीं, पूरे विश्व में, उत्तर प्रदेश में जो हुआ है अभी हाल में, एक एक जो बड़े बड़े काम हुए हैं और जो खूबसूरती से काम हुआ है, और प्रदेश हमारी जो कानून व्यवस्था, लोक की जो व्यवस्था है, डेमोक्रेसी की जो व्यवस्था है, उसमें जो उत्तर प्रदेश का नाम हुआ है, माननीय मुख्यमंत्री जी से आप लोग एक एक व्यक्ति को सुनवाई नहीं करते, आप अपने